बिहार में 48 घंटे का अलर्ट, नवादा और जमुई में भारी बारिश की चेतावनी, सभी 48 जिलों में चलेंगी तेज हवाएं, 3 अक्टूबर की शाम से मिल सकती है राहत। 95 परिजनों में 3.80 करोड़ का वितरण, मोतिहारी में बाढ़ आपदा से मृत 95 परिजनों के आश्रितों को दी गई राशि, 3.80 करोड़ लोगों के बीच बांटे गए। शहीद जवान धर्मेंद्र का शव पहुंचा रोहतास, जवान को राजकीय सम्मान के साथ विक्रमगंज के मथेरा गांव में दी गई अंतिम विदाई, मासूम बेटे ने नम आंखों से दी मुखाग्नि। मुखिया प्रत्याशी के समर्थक को मारी गोली, पटना के नौबतपुर में चुनाव प्रचार के दौरान मुखिया के समर्थक को मारी गोली, हालत गंभीर अवस्था में इलाज के लिए पटना रेफर। नागवानी ने फिर पार्टी बनाई, बोले बिहार में कोयरी और झारखंड के मुसलमान को सीएम बनाएंगे, राष्ट्रीय शोषित समाज दल बनाएगा 5 डिप्टी सीएम। गया में जिला परिषद सदस्य की भाई की हत्या, दोस्त के साथ पड़ोस के गांव गया था, विरोधियों ने घेर कर पीटा तो दोस्त भागा, घर वाले पहुंचे तो अधमरा पड़ा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 76वां जन्मदिवस आज, सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान ने दी बधाई। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के घर में चोरी, पटना स्थित आवास में ग्रिल काटकर घुसे चोर, कैश और डॉक्यूमेंट चुराया, 15 दिन पहले दरभंगा वाले घर में हुई थी चोरी। बेगूसराय में 34 बच्चों से भरी स्कूल बस तालाब में पलटी, दो की हालत। बिहार से पश्चिम बंगाल भेजी गई एनडीआरएफ की टीम, चक्रवाती तूफान गुलाब से लोगों को बचाने की तैयारी, 6 टीम के 140 अफसर और जवान चलाएंगे ऑपरेशन। 3 साल से नहीं खुल रहा था मासूम का मुंह, भागलपुर के 11 साल की बच्ची का ब्रेन के शकल बोन से जुड़ गया था दोनों साइड का जबड़ा, IGIMS के डॉक्टरों ने 3 घंटे में किया ऑपरेशन। पटना में मतगणना जारी, 335 मतदान केंद्रों का खुला बक्सा, ईवीएम से निकाला जा रहा डेटा, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में पालीगंज में मतगणना शुरू। भागलपुर में कोऑपरेटिव बैंक में 29.22 लाख की डकैती, 6 नकाबपोश अपराधी बैंक में घुसे, बैंक कर्मियों को बंधक बनाया, कैशियर को पीटकर लूट ले गए पैसे। बिहार के गांव में अब चलता फिरता अस्पताल, मोबाइल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से होगा गांव में इलाज, गांव से ही बड़े डॉक्टरों का हो जाएगा सामना। मुजफ्फरपुर में 20 फीट गड्ढे में गिरा प्याज लदा ट्रक, समस्तीपुर की ओर जा रहा था ट्रक, अनियंत्रित हुआ तो गड्ढे में जा गिरा, चालक और उपचालक की हालत गंभीर।